hello students Anla pandey welcome you all in safe classes so students we were doing the chapter ecosystem so in today's class we will study about the topic that is ecological succession types of ecological succession and difference between those two types so let's begin our class ecological succession तो इकोलॉजिकल सक्सेशन देखो जो आपका टॉपिक है इसमें क्या होगा ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रोडक्टेबल चेंज इन द स्पीसिस कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया किसी भी गिवन एरिया के अंदर क्या होते हैं ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे टाइम के साथ साथ और प्रडक्टेबल चेंजेस आकर करते हैं स्पीसीज में ठीक है यानी पहले कोई स्पीसीज वहाँ पे जो है हमारी एग्जिस्ट कर रही थी और फिर उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे उसके बाद उसको किसी और जो स्पीसीज थी हमारी उसने क्या किया रिप्लेस कर लिया इस तरीके से जब हमारा क्या है एक एक चेंज आकर करता है इकोसिस्टम में तो वो हमारा क्या होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है और अगर हम इसको प्रॉपर वे में डिफ़ाइन करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन द स्पीस स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम यानी कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हमारा जो टाइम है वो पास हो रहा है उस टाइम के पास होने के साथ साथ उस एरिया में या जो हमारी वहाँ पे कम्युनिटी थी उसके अंदर जो स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही थी उसमें क्या आना चेंजेस आना तो वो क्या होगा हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा ठीक है सो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन अब इसमें देखो क्या होगा हमने क्या कहा कि जो हमारा कम्युनिटी है उसके अंदर जो स्पीसीज है ना वो चेंज हो रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम तो इसमें मेन रीज़न क्या रहता है उनका चेंज होने का तो इसमें मेन जो रीज़न होगा वो क्या होगा चेंज करती है वो जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसे जैसे उनका एनवायरमेंट चेंज होगा वैसे वैसे क्या वो change होंगे वो चेंज होंगे बट ये दोनों चेंजेस एनवायरमेंट में जो चेंज हो रहा है वो और जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आए वो दोनों ही क्या होते हैं स्लो होते हैं ठीक है थीके? एकदम से उनके बारे में हमें पता नहीं चलेगा विद द बेसिस ऑफ टाइम जब हम लॉन्ग टाइम पीरियड में दोनों स्पेसीज को कंपेयर करेंगे कि भाई पहले तो ये वाली एग्जिस्ट कर रही थी अब ये एग्जिस्ट कर रही है तो इन दोनों में हमें क्लियर कट जो है डिफ्रेंसेज विजिबल हो जाएंगे तो वो चीज़ें क्या होंगी शो होती हैं यहाँ पे अब फर्दर कह रहे हैं कि ये जो चीज़े होंगी वो लीड करते हैं एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी की तरफ तो सबसे पहले जो कम्युनिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है दैट इज़ नोन एज द पायोनर कम्युनिटी ठीक है पानर मतलब जो सबसे पहले कम्युनिटी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एग्जिस्ट कर रही थी वो हमारी क्या थी पाएनर थी क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी कि जो बिल्कुल एंड में हमारी एक स्टेबल कम्युनिटी फॉर्म होती है ठीक है जो एक स्टेबल कम्युनिटी फॉर्म होगी एट द एंड वो हमारी क्या होती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है ठीक है तो इन सिंपल फॉर्म हम क्या कह सकते हैं कि एकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या हुआ हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया था जिसके अंदर जो हमारी कम्युनिटी थी वो प्रेजेंट थी अब इस कम्युनिटी के अंदर जो ये हमारा एरिया था इसमें जो कम्युनिटी बन रही है डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज़ की वो क्या है टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है ठीक है अब वो चेंज किस तरीके से हो रही है बिगनिंग में कोई और था फिर उसके बाद और जो स्पीसीज थी वो एग्जिस्ट हुई और एंड में कुछ और आया तो सबसे पहले जो आया वो पायनियर सबसे एंड में जो है वो क्या हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स और यू कैन से क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गई और बीच में ये जो सीरीज़ आई है ठीक है फर्स्ट और जो लास्ट है इन दोनों के बीच में जो ये हमारा एक सीरीज़ आया मान लो यहाँ पे थ्री टू फोर स्पीसीज जो थी एग्जिस्ट हुई वन टू थ्री ये जो तीन स्पीसीज बीच में आई है ना पायोनर वाले और जो हमारा क्लाइमेक्स वाला है वो तो वो हमारी क्या होती है सीरियल कम्युनिटी होती है, ठीक है तो इस तरीके से क्या है ये हमारा एक जो सक्सेशन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तब इसमें वही है क्लाइमैक्स कम्युनिटी यानी कि वो कम्युनिटी जो कि एंड में बिल्कुल आती है स्टेबल होती है वो और स्टेबल इन द फॉर्म की जो हमारा एनवायरनमेंट था उसके इक्विलिब्रियम में है वो सीरी क्या होगा एंटायर सीक्वेंस जैसे कि पानी फिर उसके बाद बीच में अलग कम्युनिटीज आई हैं फिर लास्ट में हमारा क्लाइमैक्स कम्युनिटी आ गया ये तो ये क्या है एक सीरील सीरीज चल रही है तो इसको हम सीरी बोलेंगे और सीरियल स्टेजेस और सीरियल कम्युनिटी क्या जो ये ट्रांजिशन के बीच में जितने भी ऑर्गेनिज़म्स आए हैं वो सब तो ये क्या हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन है अब देखो जो हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन है इट इज ऑफ टू टाइप्स वन इज़ द प्राइमरी सेकेंड इज द सेकेंडरी दोनों में क्या डिफरेंस होगा कि प्राइमरी सक्सेशन किसको कहेंगे हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन हम लोग किसको कहेंगे ठीक है तो प्राइमरी देखो मतलब जो सबसे पहला हो है ना तो उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे प्राइमरी सक्सेशन होगा उसमें जो स्टार्टिंग होती है यानी कि जो फर्स्ट जो स्पीसीज अपीयर हो रही है उससे पहले वहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा था ठीक है यानी कि बेयर रॉक थी मान लो रॉक है वहाँ पे अभी क्या है कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही थी इससे पहले अब वहाँ पे क्या है लाइकिन आकर के ग्रो हुआ है तो लाइकिन वहाँ पे पैनर कम्युनिटी है और उससे पहले वहाँ पे कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही थी हमारी तो ये क्या होगा हमारा प्राइमरी सक्सेशन होगा सो अ सक्सेशन दैट हैपन्स इन अ एरिया वेयर नो लाइफ फॉर्म एवर एग्जिस्टेड फॉर एग्जाम्पल बेयर रॉक्स कूल लावा एक्सेट्रा तो एक ऐसा एरिया जो कि बिल्कुल खाली था फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एम टी था उसके ऊपर कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही है उस पर जब सक्सेशन स्टार्ट होगा दैट विल बी द प्राइमरी सक्सेशन ठीक है अब देखो क्योंकि वहाँ पर कोई भी लाइफ फॉर्म प्रीवियसली एग्जिस्ट नहीं कर रही थी तो इस पूरे प्रोसेस को आकर करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है एंड इट टेक्स अबाउट हंड्रेड टू थाउजेंड इयर्स ईयर्स टू डेवलप इन दैट एरिया ठीक है क्यों एज बिकॉज देखो वहाँ पे क्या था लेट सपोज बेयर रॉक था तो मतलब बेयर रॉक रॉक प्रेजेंट थी वहाँ पे सोयल भी नहीं है तो अब क्या होगा जो फर्स्ट टाइम फॉर्म एग्जिस्ट होगी फिर वो सोयल फॉर्मेशन में हेल्प करेगी उसकी फिर धीरे धीरे उस एरिया के अंदर सॉयल फॉर्मेशन होगा फिर उसके ऊपर फर्दर जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे फिर एट द एंड जाकर के लेट सपोज वहाँ फॉरेस्ट बनाए थाउजेंड ऑफ़ ईयर लग गए ठीक है थाउजेंड ऑफ़ ईयर के बाद वहाँ क्या हुआ फॉरेस्ट बनाए तो हम इन सभी एग्जाम्पल्स को वन बाय वन करेंगे क्लियरली करेंगे यहाँ जस्ट डेफिनेशन ही हैं तो फर्स्ट हम इनके डेफिनेशन देख रहे हैं फिर हम इनके एग्जाम्पल के थ्रू भी आगे डिस्कस करेंगे ठीक है सेकेंडरी सक्सेशन जस्ट जो प्राइमरी है उसका उल्टा प्राइमरी में देखो हमने क्या कहा देर वॉज नो लाइफ फॉर्म बिफोर दिस ठीक है उससे पहले कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही थी सेकेंडरी में क्या हो जाएगा कि वहाँ पर लाइफ फॉर्म तो एग्जिस्ट करती थी बट वी हैव लॉस्ड दैट लाइफ फॉर्म जस्ट बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल और मैन मेड रीज़न ठीक है नेचुरल रीज़न की वजह से हम ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से कोई भी रीज़न हो सकता है वो जो लाइफ फॉर्म थी वो उस एरिया से क्या हुई रिमूव हो गई उसके बाद जब वहाँ पे दोबारा से लाइफ फॉर्म स्टार्ट होगी तो वो क्या होगा हमारा सेकेंडरी सक्सेशन होगा लेट्स से कि यहाँ पे क्या था मेरा हमारे पास एक फॉरेस्ट था ठीक है देर वॉज अ फॉरेस्ट अब इस फॉरेस्ट के अंदर क्या हुआ फायर लग गई अब इस फॉरेस्ट के अंदर क्या हुआ फायर लग गई फायर की वजह से क्या हुआ जो ये एरिया था वो अब हमारा खाली हो गया ठीक है यहाँ पे क्या हुआ अब कुछ भी नहीं प्रेजेंट पहले क्या था यहाँ फॉरेस्ट था अब फॉरेस्ट फायर की वजह से यहाँ पे कुछ भी नहीं है फिर उसके बाद मान लो अब यहाँ से फिर से क्या होगा लाइफ फॉर्म स्टार्ट होगी ग्रो करना लाइकेंस आए फिर उसके बाद ब्रायफाइट आ गया हमारा फिर उसके बाद टेरिडोफाइट्स आए फिर हॉब्स फिर शॉब्स और फिर एट द एंड क्या हो गया यहाँ पर ट्रीज बन गए तो ये क्या होगा हमारा सेकेंडरी सक्सेशन होगा कि पहले यहाँ पे लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रही थी फिर वो लाइफ फॉर्म जो हो गई थी वो गायब हो गई किसी भी रीजन से और फिर उसके बाद फिर से लाइफ जो है वो उसके ऊपर कॉन्टिन्यू हुई और फिर पैनल से फिर सीरियल कम्युनिटी आई और एट द एंड हमारा क्लाइमैक्स कम्युनिटी फॉर्म हो गया तो इसने कहा सक्सेशन दैट इन एन एरिया विच हैव लोस्ड ऑल द लाइफ फॉर्म ड्यू टू डिस्ट्रक्शन एंड फ्लड इज़ नोन एज द सेकेंडरी सक्सेशन अब क्योंकि यहाँ पे देखो पहले वहाँ पे सॉयल एग्जिस्ट कर रही थी तो सॉइल फॉर्मेशन में ही खुद इतना ज़्यादा टाइम लगता है जो कि पा... जो हम प्राइमरी वाला था उसमें लग रहा था वैसा टाइम यहाँ पे नहीं जाएगा तो इसलिए ये जो सक्सेशन तो होता है इट इज़ फास्टर देन द प्राइमरी सक्सेशन ठीक है तो इसलिए ये जो है सक्सेशन हमारा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द दीरवर्क अब देखो यहाँ पे डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी में सो so, प्राइमरी में क्या हुआ ये इनिशिएट होता है इन एन एरिया वेयर ऑर्गेनिज्म नेवर एग्जिस्टेड जहाँ पे ऑर्गेनिज्म कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था वैसे एरिया में हुआ सेकेंडरी सक्सेशन मीन्स की इट अकर इन एन एरिया वेयर ए कम्युनिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड बट इट वॉज डिस्ट्रॉयड और लॉस्ड जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीजन अब इसमें क्या होगा क्योंकि यहाँ पे पहले कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही थी तो यहाँ पे सॉयल नहीं होगा ह्यूम्स नहीं होगा ठीक है रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स थे वो प्रेजेंट नहीं होंगे बट इसके केस में क्योंकि यहाँ लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा था हमारा तो यहाँ पे देखो सॉयल भी प्रेजेंट होगी यूमेस एज यू नो ऑर्गेनिक मैटर जो कि लिविंग जो भी हैं हमारे प्लांट्स हो गए एनिमल हो गए इनकी वेस्ट से बनता है वो होगा और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लेट सपोज वहाँ कोई ट्री था तो उसका जो सीड था वो सीड मान लो सॉयल के अंदर बरेड था तो वहाँ पर वो प्रिजर्व है तो इस तरीके से जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी क्या होंगे इस एरिया में प्रेजेंट होंगे जब हम बात करेंगे सेकेंडरी वाले की ठीक है अब जो प्राइमरी वाला था उसमें क्या है काफ़ी टाइम लगता है लॉन्ग टाइम का होता है ये इसमें हंड्रेड टू थाउजेंड ईयर लग जाते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी और जो हमारा क्लाइमेक्स स्टेज है वहाँ तक रीच करने में बट जो हमारा ये सेकेंडरी वाला इसके अंदर क्या होता है कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द प्राइमरी वन अब देखो जो सक्सेशन है इसमें आपके एग्जाम्पल्स हैं दो ठीक है आपके सिलेबस में दो गिवन है वन इज़ द हाइड्रार्ज सक्सेशन एंड सेकेंड इज़ द जुरार्ज सक्सेशन ठीक है हाइड्रार्ज मतलब कि वाटर के अंदर और जुरार्ज मतलब कि जो ड्राई एरिया है हमारा उस एरिया के अंदर जो है सक्सेशन किस तरीके से टेक प्लेस करेगा सो so, हाइड्रार्ज जो सक्सेशन होता है ठीक है प्लांट का एक ये कहाँ होगा देखो हाइड्रार्ज मतलब कि ये किससे वर्ड बना है हमारा किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है ये वाटर का यानी कि यहाँ हम बात करेंगे कि जो सक्सेशन है वो हमारा एक्वेटिक लाइफ से शुरू हुआ है ठीक है वाटर वाली कंडीशन से शुरू हुआ है और फिर उसके बाद वो लैंड वाली जो कंडीशन थी वहाँ पर मूव किया ठीक है सो एक ऐसा सक्सेशन जो कि हमारा हाइड्रिक हाइड्राज और यू कैन से वाटर कंडीशन से स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद जो हमारी लैंड वाली कंडीशन है उसके अंदर वो क्या हुआ ट्रांसफ़र हुआ यानी कि जो हमारा मॉइस्ट कंडीशन है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो हमारा क्या होगा हाइड्राइट सक्सेशन तो देखो इसमें लिखा है हाइड्रिक टू म्यूजिक कंडीशन म्यूजिक का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर मॉडरेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है और हाइड्रिक मतलब कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर था ऑब्वियसली वाटर प्रेजेंट है तो देखो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है और म्यूजिक कंडीशन मतलब कि वहाँ पर क्या है मॉइस्चर कंटेंट जितना होना चाहिए उतना ही है बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है अब इस तरीके का जो सक्सेशन होता है तो देखो इसमें जो फर्स्ट हमारी पैनियर कम्युनिटी होगी वो क्या होंगे हमारे फाइटो प्लेंगटन्स ठीक है फाइटो प्लेंगटन्स जो हमारे प्लांट्स होते हैं पॉन्ड इको सिस्टम में जो हमने पड़े हुए हैं वही फिर उसके बाद क्या होगा जो ये हमारी पानीर स्पीसी थी इसको रिप्लेस किया फ्री फ्लोटिंग एनजोस्पम्स ने फिर उसके बाद देखो ग्रासेस आ जाएंगी वहाँ पर और फिर एट द एंड क्या होंगे ट्रीज़ जो कि मीजिक कंडीशन दैट आई टोल्ड यू कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट नहीं है मॉडरेट अमाउंट में है प्लस ये क्या है हमारी जो ये ट्रीज़ हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे ये हमारे क्लाइमेक्स वाले होंगे ठीक है तो इस तरीके से जो हाइड्राज वाला सक्सेशन होता है वो अकर करता है अब देखो यहाँ पे जो हाइड्राज कंडीशन है उसको शो किया गया अब इसको आपको लर्न देखो पढ़ते टाइम इसको रीड किस तरीके से करना है ऐसा नहीं है कि ये चीज़ इस तरीके से मतलब हमने एक चीज जगह शो कर रखी है अच्छा ये एक साइड था इस साइड में क्या हुआ इस तरीके से व्यू दिखा रखा है हमें नो ये हमें सीक्वेंस शो कर रहा है ठीक है जो हमने बात की ना वहाँ पे सीरियल कम्युनिटीज़ की बात की थी सी की बात की थी ये उस सीक्वेंस को शो कर रहा है तो इसको जब आप समझें तो इसको कैसे समझ लें यहाँ से बीच में से लाइन स्ट्रो करके ठीक है ये इस तरीके से जो है मूवमेंट यहाँ पे अकर कर रही है हमारी टाइम के साथ साथ हमें वहाँ पे ऐसे जो चेंजेस हैं वो देखने को मिलेंगे सबसे पहले क्या होगा वहाँ पे जो हमारी पायोनर कम्युनिटी थी ये जो पायोनीर कम्युनिटी थी वो कौन सी थी यहाँ पे फाइटो प्लैंगटोस यानी कि इन द वेरी बिगनिंग वहाँ पे फाइटो प्लैंगटोस जो थी वो हमारे एग्जिस्ट कर रहे थे ठीक है फिर उसके बाद क्या हुआ इनको रिप्लेस कर लिया इनकी जगह क्या आ गए सब प्लांट ठीक है इनकी जगह कौन से आ गए सबमर्स्ट प्लांट फिर उसके बाद फ्लोटिंग फिर उसके बाद फ्लोटिंग जो है और सब मतलब कि दो दोनों मिक्स कि वो रूटेड भी है नीचे से वो आएगा यानी कि पीछे का आप भूलते जाओ ये चीज़ें हटती जाएंगी ठीक है ये चीज़ें जो थी वो लेस स्टेबल थी इनको ये आगे वाला रिप्लेस करेगा फिर उसके बाद क्या हुआ अब उस एरिया में हमें क्या होगा देखो धीरे धीरे सोयल फॉर्म हो रही है पहले वहाँ पे वाटर था सोयल बिल्कुल बॉटम में थी अब धीरे धीरे क्या होगा वहाँ पे वाटर जो है वो वाटर का लेवल कम होता जाएगा सॉयल का लेवल बढ़ता जाएगा फिर उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे रेड स्वैंप एरिया आ गया फिर उसके बाद जो रेड स्वैंप थे इनको भी रिप्लेस कर लिया किसने मार्श मिडोज ने फिर उसके बाद हमें क्या होगा थोड़े टाइम बाद वहाँ पर क्या देखने को मिला वुडलैंड कि ग्रासेस बन गई हॉर्स बन गए शॉप्स बन गए बन और फिर एट द एंड क्या हुआ अब जो वो एरिया हमारा टोटल उसके अंदर क्या प्रेजेंट है क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी कि वहाँ पे लार्ज ट्रीज प्रेजेंट है वहाँ पे क्या हो गया फॉरेस्ट बन गया तो ये क्या था एक हाइड्राज सक्सेशन था कि ये किससे शुरू हुआ देखो वाटर से शुरू हुआ लेकिन ये कहाँ पे आ गया मॉडरेट मॉइस्चर कंटेंट में शुरू पहुँच गया तो ये क्या हुआ हमारा एक हाइड्राज सक्सेशन था तो इसको सिंपली हमने क्या देखा फाइटम प्लैंगटोन से स्टार्ट हुआ फिर सब फ्लोटिंग फ्लोटिंग लीव रेड स्वेब मार्श मिडो वुडलैंड एंड देन क्लाइमैक्स इस तरीके से ये क्या हो रहा है मूव कर रहा है तो अब देखो यहाँ पे जो हमने बात की थी ना पायनियर कम्युनिटी क्लाइमैक्स कम्युनिटी एंड सीरियल स्टेजेस तो उसको समझो दिस वन वाज़ द पायनियर ये हमारा पायनियर था ठीक है फिर ये जो बीच के ये सारे सॉरी जो ये बीच के सारे स्टेजेस आई हैं ये हमारी क्या है सीरियल स्टेजेस हैं ठीक है जो हमने सीरियल स्टेजेस की बात की थी ये वो है और एट द एंड ये क्या हमारे क्लाइमैक्स हैं तो ये क्या था हाइड्राज सक्सेशन अब देखो जीराज सक्सेशन में क्या होगा हमारे पास सो so, कंडीशन जो कंडीशन है तो देखो जीरो फाइट वर्ड यूज़ करते हैं किसके लिए डेजर्ट प्लांट के लिए यानी कि यहाँ पे जो सक्सेशन स्टार्ट हुआ हमारा वो कहाँ से होगा ड्राई कंडीशन से ड्राई से हम लोग जाएंगे किसकी तरफ मीजिक कंडीशन की तरफ ठीक है सो ड्राई एरिया था और फिर जो सीरियल प्रोग्रेस हुई और फिर हम कहाँ आ गए म्यूज़िक कंडीशन की तरफ तो जीरिक से म्यूजिक कंडीशन की तरफ क्या हो रहा है ये मूवमेंट को शो कर रहा है अब देखो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइकेंस आएंगे जो कि इसके पायनियर कम्युनिटी हैं फिर यहाँ पे सीरियल स्टेजेस आ जाएंगी और फिर द एंड क्या होगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाएगी ठीक है तो इस तरीके से इसमें चेंजेस टेक प्लेस करेंगे ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि पहले लाइकेंस आए फिर उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ ब्रायोफाइट्स आए फिर हॉर्बिशियस प्लांट आ गए फिर शॉब्स एंड देन ट्रीज जो हैं वो आ गए उस एरिया के अंदर अब यहाँ पे देखो शो किया गया है जो हमारा जिराज सक्सेशन था उसको सो इसमें देखो क्या हुआ इन द वेरी बिगनिंग क्या थे यहाँ पे एक्सपोज रॉक थी अब ये कौन सा हमारा एग्ज़ाम्पल है ये हमारा एग्ज़ाम्पल है प्राइमरी वाले का कि यहाँ पे देखो कुछ भी प्रेजेंट नहीं था यहाँ पे क्या था बेयर रोक था फिर उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे जो फर्स्ट हमारी लाइफ फॉर्म थी थोड़े टाइम बाद ये अब आगे बढ़ रहे तो पीछे वाले को भूल जाना है यहाँ पे देखो क्या हुआ लाइकेंस आ गए ये लाइकन उस रोग के ऊपर ग्रो हुए फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया धीरे धीरे थोड़ी बहुत जो सोइल थी उसको फॉर्म करना स्टार्ट किया फिर उसके बाद क्या हुआ अब जो लाइकन थे इनको रिप्लेस कर लिया किसने मोजिस ने यानी कि ब्रायोफाइट्स ने आफ्टर दैट क्या हुआ फिर ब्रायोफाइट्स के बाद यहाँ पे क्या आएंगी ग्रासेस और वीड्स आ गई फिर उसके बाद इनको किसने रिप्लेस कर दिया जो हमारे मिक्स्ड हर्बेशियस प्लांट थे अब देखो इसको भूल जाना है हमें जो पीछे गया वो ख़त्म हो गया अब यहाँ पे हमें क्या होंगे मेजर जो मिक्स्ड हर्बेशियस प्लांट्स हैं वो देखने को मिलेंगे फिर उसके बाद क्या हुआ इनको रिप्लेस कर लेंगे कौन जो शॉप्स होंगे वो फिर उसके बाद क्या होगा जो शॉप्स है इनको रिप्लेस कर लेंगे यंग फॉरेस्ट जो हमारा है वो इसको रिप्लेस कर लेगा फिर उसके बाद क्या होंगे मैच्योर फॉरेस्ट आ जाएगा फिर उसके बाद सॉरी फिर उसके बाद एंड में क्या आ जाएंगे हमारे जो क्लाइमेक्स फॉरेस्ट है वो तो इस तरीके से क्या हुआ एक जेरिक कंडीशन जो यहाँ पे प्रेजेंट थी इससे हम म्यूज़िक कंडीशन की तरफ मूव हुए और ये क्योंकि ड्राई कंडीशन से स्टार्ट हो रहा था तो ये क्या था हमारा एक जीरो जो जिर सक्सेशन था वो था सो so, इसमें देखो जो ये स्टेज थी दिस वॉज द प्राइमरी और द पाइनर कम्यूनिटी ये हमारा क्लाइमैक्स कम्यूनिटी है और बीच की ये क्या थी सीरियल स्टेजेस थे तो ये क्या था हमारा एक जीरो सक्सेशन था अब देखो डिफरेंस है जो जेरिक सक्सेशन है और जो हमारा सक्सेशन है सक्सेशन है उसके बीच में जेरिक मतलब कि जो हमारा वाटर से शुरू हो रहा था सो इकोलॉजिकल सक्सेशन इन दैट दैट स्टार्ट्स इन वाटर बॉडी एंड प्रोसीड टू मेजिक कंडीशन कॉल्ड द हाइड्रॉज सक्सेशन एंड सक्सेशन में क्या होगा इकोलॉजिकल सक्सेशन दैट स्टार्ट विद बेंजन रॉक्स जैरिक कंडीशन एंड प्रोसीड टू मेजिक कंडीशन इज कॉल्ड जैरिक सक्सेशन फिर हमने जो उसमें एग्ज़ाम्पल किए वो एग्ज़ाम्पल्स के यहाँ पर शो किए गए ठीक है तो ये डिफरेंस है जेरेक और जो हमारा हाइड्राजा उनके बीच में अब प्राइमरी सक्सेशन जो हमने जस्ट अभी पढ़ा तो रॉक वाला हमने जो एग्ज़ाम्पल किया है वो वाला यहाँ पर शो किया गया है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लर्न करने के लिए कि किस तरीके से मान लो आपका अगर लिखने आता है तो आप कैसे लिखेंगे तो बेयर रॉक पे प्राइमरी सक्सेशन हमने किया उसी की एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे फिर है ये हमारा वाटर वाला जो हमने किया था हाइड्राज सक्सेशन उसके बारे में है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अब है सेकेंडरी सक्सेशन क्या होगा तो सेकेंडरी सक्सेशन में है, देखो हमने क्या कहा था कि जो सक्सेशन है वो कब होगा कि वहाँ पे पहले कोई लाइफ फॉर्म जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी बट बिकॉज ऑफ नेचुरल रीज़न और द मैन मेड रीज़न और ह्यूमन एक्टिविटी वो जो लाइफ फॉर्म थी वो वहाँ से क्या हो गई लॉस हो गई है अब वहाँ पे फिर से क्या होगा जो सक्सेशन है वो होगा और एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होगी अक्कर करेगी तो अब यहाँ पे देखो जो हमारी पायनियर स्पीसीज़ है जो वहाँ पे आएगी वो कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि मतलब पहले कौन सा जो लाइफ फॉर्म है या पायनियर कम्युनिटी वहाँ पे अक्कर करेगा हमारा वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर सॉयल की कंडीशन कैसी थी अब देखो पायनियर वाला जो जो हमारा प्राइमरी सक्सेशन था ना उसमें हमने क्या कहा था कि वहाँ पे सोयल थी ही नहीं सोयल बाद में फॉर्म होगी बट यहाँ पे क्या है सोयल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी तो उस सोयल का नेचर कैसा है ठीक है उसकी कंडीशन कैसी है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है उसके अंदर न्यूट्रिय कैसे होंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट जो पायनियर कम्युनिटी होगी फर्स्ट कम्युनिटी होगी वो वहाँ पर फॉर्म होगी फिर उसके अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है बहुत कम है उसके अकॉर्डिंग होगा फिर एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ का और जो सीड्स हैं और जो प्रोपेग्यूल्स हैं वो कैसे होंगे लेट्स से कि मान लो वहाँ पे जो सॉइल की कंडीशन थी वो अच्छी थी सॉइल के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे और जो यहाँ पे हमारा सीड प्रोपेग्यूल था वो किसका था लेट्स सपोज वहाँ पे किसी ट्री का प्रेजेंट था ठीक है वहाँ पर क्या थे जो हमारे फॉरेस्ट था तो उसमें जो लार्ज ट्रीज थे उनका जो सीड था वो वहाँ पे प्रेजेंट था तो वहाँ पे क्या होगा डायरेक्टली जब वो सीड ग्रो होगा तो फिर उसके बाद वही उसी टाइप के जो प्लांट्स होंगे वहाँ पे वो एग्जिस्ट करने शुरू करेंगे मान लो वहाँ पे क्या था ज़्यादा जो मॉइस्चर है वो प्रेजेंट नहीं था वहाँ पर कोई सीड भी प्रेजेंट नहीं था तो उस केस में क्या होगा अब क्योंकि वहाँ सीड प्रेजेंट नहीं है कुछ भी नहीं है तो ये हमारी सोयल थी अब इसके अंदर मान लो जो लाइकेन है उसके मान लो अगर स्पोर्स आकर के गिरेंगे तो वो क्या होंगे ग्रो होंगे फिर यहाँ से शुरू होगा नहीं तो फिर क्या हो सकता है कि ये मेरा सॉयल था जो प्रेजेंट था अब क्या हुआ कोई यहाँ से जो बर्ड थी ठीक है जो ये बर्ड थी वो क्या हुई उड़ती हुई जा रही थी तो इसके पास क्या था सीड थे किसी प्लांट के वो सीड क्या हुआ बाई चांस इस सॉइल में गिरा दिया बाई मिस्टेक अभी जो सीड होगा वो जर्मिनेट होगा फिर उसके बाद क्या होगा जो भी इसको जिस भी चीज़ का वो सीड था वो क्या करेगा उसको यहाँ पे ग्रो करेगा तो ये इस तरीके से क्या करता है डिपेंड करता है हमारा सेकेंडरी सक्सेशन एज द सॉइल इज़ प्रेजेंट इन एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज रीच्ड मच क्विकली तो क्योंकि इसमें सॉयल शुरू से प्रेजेंट थी तो इस वजह से हम जब कंपेरिजन करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन का तो सेकेंडरी सक्सेशन में क्लाइमैक्स कम्युनिटी जल्दी आ जाती है सो so, ये क्या था आपका सक्सेशन वाला टॉपिक था अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके वो हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर करेंगे आई होप आपको ये जो टॉपिक हमने किया ना सक्सेशन वाला ये आपको समझ आ गया होगा अगर आपको कोई डाउट होता है आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स ले सकते हैं एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे टिल देन बाय डे